इस हफ्ते बास्केटबॉल खेलना चाहूंगा। देखते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सलीम? वैसे ही हूँ। कैसे हो तुम लोग बताओ, आज के पेपर की तैयारी कर ली? हाँ हाँ बिल्कुल। पैलन, आज तुमने जैनब को देखा था क्या? नहीं मैंने नहीं देखा। आज पेपर है, वो पेपर के लिए लेट हो जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम। हाँ जैनब की गार्ड हूँ क्या मैं? छोड़ो, मैं खुद कॉल कर लूंगा। लड़की थोड़ा सही से साफ करो, तुम सारे धब्बे वहीं के वहीं हैं। अभी इतनी सारी चीजें रहती हैं सफाई के लिए। ठीक है, आप बेफिक्र रहे, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम्हें मालूम है वक्त क्या हो रहा है? तुम तो कह रही थी 3 बजे जाना है। हेलो जैनब, कहाँ हो तुम? आओगी नहीं क्या? नहीं मैं अभी बाहर हूँ। क्या तुम भूल गई आज पेपर है? भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। तो क्या तुम पेपर के लिए नहीं आ रही? टाइम मिल गया तो आ जाऊंगी। उफ मेरे अल्लाह। अच्छा ठीक है, फोन रखो, मुझे काम है। अगर फोन से फुर्सत मिल जाए तो बाथरूम भी साफ कर देना, अभी तक सर्फ पड़ा है वहाँ। जी मैं कर रही हूँ। पता नहीं कैसी लड़की। वैसे वो कौन है जो ये खरीद रहा है? इससे पहले मैंने कभी पूछा ही नहीं। उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है। समझ गई, जाहिर है वो अमीर है, बिना किसी बातचीत के ये खरीद लिया। सही कह रही आप। एक बार फिर से आपको मुबारक हो। शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है। यही चाहते थे ना तुम? अब हम देखेंगे कि किसकी जबान का पास रहता है। क्या मैं इसमें थोड़ा और आटा डाल दूं आयशा खाला? हाँ हाँ आयशा खाला की जान, कितनी मदद करती हो मेरी, थोड़ा सा डाल दो बस। खाला क्या ये बाद में रवियोली बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, फिर तुम इसे मजे से खाना। नहीं, इसको एक भी नहीं मिलेगा। आयशा आंटी ये रवियोली सिर्फ मेरे लिए बना रही हैं। तुम नहीं खा सकती। ये आप दोनों के लिए बहुत है, आपको जितना खाना हो खा लेना। मैंने बोल दिया ना, ये मेरी रेवियोली है, हट जाओ यहाँ से। इसे हाथ भी मत लगाना। अब इनका बैग कहाँ गया यार? मिल गया। अब देखते हैं आप क्या करेंगी आयशापा।